Assalamu Alaikum viewers. I am Sitara Nayab and welcome to my channel. मदर स्काई आज की वीडियो बहुत ही मजेदार है क्योंकि इसमें हम आपको 30 डेज की गाइडेंस देंगे अगर आपने सोच लिया है कि अब आप अपनी प्रेगनेंसी चाहती हैं या ये कि अब आपने सोचा है कि आपके घर एक बच्चा होना चाहिए तो आपको 30 दिन की गाइडेंस दी जाती है कि इन 30 दिनों में आप अपनी बॉडी को कैसे प्रिपेयर करेंगी ताकि आप आसानी के साथ कंसीव करें और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी रहे डे बाय डे हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं पहले दिन आपको चाहिए कि वो तमाम बर्थ कंट्रोल मेथड्स छोड़ दें जो आपने अपनाए हों ताकि बच्चा ना हो फॉर एग्जांपल कुछ पिल्स खाती हैं कुछ लोगों ने इंजेक्शन लेने होते हैं या कुछ डेली बेसिस पर दवाइयाँ खाती हैं तो इन सारी चीजों को रोकना चाहिए या इसके अलावा भी कुछ अगर प्रोटेक्शन आप यूज कर रही है तो उसको आपने अलविदा कह देना है दूसरे दिन से आपने मल्टी वाइटामिन लेने स्टार्ट करने हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आपका बच्चा होने लगता है तो आपकी रस्म जितनी न्यूट्रिशंस हैं वो उसको जाने होते हैं अगर आपकी रस्म वाफिर मेदार में मल्टी वाइटामिन मौजूद होंगे तो आपके बच्चे की हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपको प्री नेचरल दिए जाते हैं उन्हीं का इस्तेमाल शुरू कर दें तीसरे दिन से आपने फॉलिक एसिड ऐड करना है फोलिक एसिड का इस्तेमाल इसलिए जरूरी होता है कि आपके बच्चे में कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो जाए तो आपको फॉलिक एसिड या फोलेट सप्लीमेंट लेने चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी गुजर सके डेफो वेल यानी कि आपने विटामिन और मिनरल के अलावा आपने अच्छी बैलेंस डाइट खानी है जिसमें कोशिश करें कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हो और प्रोटीन का अच्छा सोर्स हो अच्छी वाली फैट्स हो मतलब बैलेंस डाइट आपने यूज करनी है पांच दिन से आपने अपने जिसम को थोड़ा एक्टिव करना है आपने थर्टी मिनट के लिए अपने आपको एक्टिविटी देनी है बेसिकली आपको एक हफ्ते में डेढ़ मिनट तक एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है जिसमें चाहे आप वॉक करें चाहे हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें या कुछ भी तो ये आपके जिसमें ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाती है फर्टिलिटी भी बढ़ाती है तो इस तरह से आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए रेडी होना शुरू हो जाती है गैटा जा फिजिकल अपने डॉक्टर को जाके एक दफ़ा फिजिकल मुआयना कराएं कि जिसम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अपना ब्लड टेस्ट करवाएं अपना कोलेस्ट्रोल लेवल चेक करवाएं अपना हीमोग्लोबल लेवल चेक करवाएं या जो जो कुछ वो आपसे कहे वो आप एक फिजिकल चेकअप करवा लें चेक वैक्सीनेशन उसके बाद आपने अपनी वैक्सीनेशन चेक करनी है कि क्या आपको टेटनस का या रोबेला वगैरह के वैक्सीनेशन लगी हुई है या नहीं अगर नहीं है तो आपने डॉक्टर से गाइडेंस लेनी है कि कौन सी वैक्सीनेशन आपको फौरी तौर पर लगवा लेनी चाहिए और कौन सी आपकी प्रेगनेंसी के दौरान में इस्तेमाल होंगी उसके बाद आपने कंसेप्शन से पहले वाली एक अपॉइंटमेंट लेनी है डॉक्टर से जिसमें अगर आपको कोई फर्टिलिटी इशू है या आपकी एज ज्यादा है या आपको पहले कोई मिस वगैरह हुआ है तो वो हिस्ट्री आपने उसके साथ शेयर करनी है और उससे प्रॉपर गाइडेंस लेनी है कि अब हम प्लान करने लगे हैं प्रेगनेंसी तो हमें क्या क्या चीज़ों की एहतियात जरूरी है फिर उसके बाद आपने अपने जो साइकिल है उसको ट्रैक करना है यानी कि बर्थ कंट्रोल जब आप पिल्स लेती हैं या कोई मेथड यूज करती हैं तो आपकी डेट नहीं आती अगर आपकी डेट आ भी जाती है तो आपको साइकिल उतनी रेगुलर नहीं होती आपने ये देखना है कि आपके फर्टाइल डेज कौन से हैं अपने फ़र्टाइल डेज निकालने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकती हैं जिसमें हमने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे आप अपने फ़र्टाइल डेज निकाल सकती हैं उसके बाद आपने ये करना है कि जो टॉक्सिन वाली चीज़ें हैं उसको आपने दूर कर देना है फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आप कोई डिटर्जेंट यूज़ करती हैं उसके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स हैं जैसे ब्लीच वग़ैरह उसको आपने इस्तेमाल करना छोड़ देना है फिर आपने ऐसी फ्रेगरेंसेज इस्तेमाल करनी छोड़ देनी है खुशबुए जिसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं इसके अलावा आपने ऐसी मेकअप की चीजें छोड़ देनी है जिसमें पैराबेंस हो या सोडियम लॉरेट सल्फेट हो या मरकरी का इस्तेमाल छोड़ देना है आपने फिर इसके अलावा अगर घर की सफाई वगैरह करनी है तो उसमें ऑर्गेनिक सोर्स यूज करें जैसे कि पानी के अंदर सिरका वगैरह डाल दें और दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें इसके बाद ग्यारहवीं दिन से आपने अपने आप को स्ट्रेस रिलीव एक्टिविटीज देनी है यानी कि कोशिश करनी है कि आपने अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना है क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको प्रेगनेंसी के दौरान काफी हेल्पफुल साबित होती है क्योंकि कई औरतों को प्रेगनेंसी में डिप्रेशन का सामना भी होता है तो अगर आपने ये प्रैक्टिस की होगी तो आपको आसानी होगी फिर आपने थोड़ी सी योगा स्टार्ट करनी है योगा से आपकी फर्टिलिटी बढ़ती है आपका जो इमोशंस है और एनजाइटी है उस पर आपको कंट्रोल करने की एबिलिटी मिल जाती है तो योगा का इस्तेमाल आप जरूर करें फिर आपने विजिट करना है अपने डेंटिस्ट के पास अगर आपने अपना दूसरा चेकअप करवा लिया है तो एक दफ़ा मे दांतों का चेकअप भी करवा लें क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स आपके दांतों में और आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम कर सकते हैं क्योंकि ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है और अक्सर औरतों को गेंगेविटीज़ या कैविटीज़ हो जाती हैं तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास एक विजिट करना चाहिए फिर अगर आप कोई सिगरेट या अल्कोहल या कोई ऐसी दवाईया इस्तेमाल करती हैं जिसमें स्टीरोड्स वगैरह शामिल हैं तो आपने ये चीजें छोड़ देनी है और अगर कोई दवाई ऐसी है जिसके बाद गुजारा नहीं तो आपने डॉक्टर से पूछ के उसका नयुल बदल ले लेना है फिर उसके बाद आपने सेक्स क्रिएट करना है ये जरूरी है कि आप इसमें फुल इन्वॉल्व होकर करें बेदिली के साथ मत करें फुल पैशनेट होकर करें और ये सोच कर करें कि इनशाला पाक आपकी उम्मीद भर लाएगा और फुल रिलैक्स मूड में करें इस तरह करने से भी बहुत से लोगों को कंसीव करने में आसानी होती है फिर डॉक्टर के पास जब आप विजिट करती हैं तो वो आपको आपका बीएमआई बताती हैं कि आपका वज़न कितना होना चाहिए अगर आपका वज़न जरूरत से ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए उनसे कोई फूड का प्लान ले लें या कोई वॉक या एक्सरसाइज वगैरह का प्लान ले लीजिए तो अपने बी को कंट्रोल करें ताकि वजन की वजह से आपको प्रेगनेंसी का जो मसला होता है औरतों को नहीं हो पाती वो ना हो फिर आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री इकट्ठी करनी है अपनी फैमिली की क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स को या आपके कुछ रिश्तेदारों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में आपको भी सामना करना पड़ सकती हैं अगर आपको फैमिली हिस्ट्री पता हो तो ये आसानी होती है उसके लिए आप एहतियात कर सकती हैं पहले से और ये काम आपने अपने हस्बैंड से भी करवाना है फिर उसके बाद डिस्कस प्रिस्क्रिप्शन आप जो कोई पहले की दवाइयाँ खा रही हैं या सप्लीमेंट खा रही हैं वो आपने अपने डॉक्टर से जा डिस्कस करनी है कि क्या ये सेफ़ हैं प्रेग्नेंसी कई दफा ऐसा होता है कि आप कुछ दवाइयाँ ले रही होती हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती तो आपको उनको छोड़ना पड़ता है फिर इसके बाद अगर आपके घर में कोई वायलेंस का मसला है तो आप उसके लिए किसी रिश्तेदार की हेल्प ले सकती हैं अगर आप बाहर के मुल्क में हैं तो आप हेल्पलाइन से सर्विस ले सकती हैं और कोशिश करें कि खुद भी अपने घर को कायम रखें और अपने गुस्से के ऊपर काबू रखें ताकि घर में कोई ऐसा मसला ना हो गेट गुड स्लीप जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको मुख्तलिफ तरह से एक्ट वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी नींद का जो कैज है वो बहुत अच्छा बनाए ताकि आप उसको आसानी से फॉलो करती रहें और आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता रहे और आपको उसकी वजह से डिस्टर्बेंस ना हो कई औरतें ऐसी होती हैं जिनका बी पी हाई हो जाता है सिर्फ इसलिए कि उनकी नींद पूरी नहीं होती इसलिए जब भी आपको मौका मिले आप अच्छी नींद लें और कोशिश करें कि अंधेरा कर कर और खामोशी में सुकून करने की दोपहर भी थोड़ी सी देर आदत डालें ताकि प्रेगनेंसी में आपको ज्यादा एग्जर्शन ना हो फिर अगर आप कैफीन लेती हैं तो प्रेगनेंसी में आपको सिर्फ ट्वेल्व आउंस तक अलाव होती है अगर आप इससे ज्यादा लेती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी मकदार कम करना शुरू कर दें ताकि आपके बच्चे के ऊपर इसका असर ना हो फिर आपको पानी बहुत ज्यादा लेने की जरूरत होती है क्योंकि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है आपको ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा हो। चाहिए होती है उसके लिए ऑबियसली आपके जिस में पानी ज्यादा होने की जरूरत होती है तो आपने कोशिश करनी है नौ कप तकरीबन रोज पानी लेना है इसके बाद आपने ये करना है कि आपने हमारी डिफरेंट प्लेलिस्ट को निकालना है और जिसमें टिप्स के नाम से या हाउ टू गेट प्रेग्नेंट के नाम से या प्रॉब्लम के नाम से ये सारी वीडियोस को देखना है इससे ये होगा कि जो भी प्रॉब्लम आपको आने वाली होगी आप हमारी वीडियोस से पहले ही उससे आगाह होंगी और आपको मसला नहीं होगा आप फौरी तौर पर उसका हल ढूंढ लेंगी इसके बाद अपने हस्बैंड का भी चेकअप करवाइए अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉब्लम मेल पार्टनर की तरफ से भी होती है आप प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रही होती है और प्रॉब्लम आपके हस्बैंड में होती है ध्यान रहे की वो भी अपना फिजिकल चेकअप करवाएं खाएं पे बेहतरीन तरीके से फिर एक्सरसाइज करें और कोई अगर सिगरेट वगैरह लेते हैं तो उसको छोड़ दें या कोई ऐसी दवाई या अल्कोहल तो उसको छोड़ दें बूस्ट योर इम्यून सिस्टम आपके जिसमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में अक्सर आपको फ्लू कोल्ड या इलनेस का सामना करना पड़ता है तो जितना आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है उतना आपको दवाई नहीं लेनी पड़ती इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ऐसी फूड खानी चाहिए जिसमें एंटाऑक्सीडेंट्स होते हैं या वाइटामिन सी होता है है तो इस तरह के आप सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकती हैं या फूड में भी आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं फिर आपको ये जानने की जरूरत होती है कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी हमारी वीडियोस तो मौजूद हैं आप उनको भी देख सकती हैं लेकिन वैसे भी आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या पॉस्चर्स क्या क्या खाना पीना क्या क्या एहतियातें ज़रूरी होती हैं प्रेगनेंसी के लिए और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करने की जरूरत होती है फिर आपने वर्क अराउंड यानी कि आपने कोशिश करनी है कि जब आप घर के काम काज करें तो आपने भारी वज़न उठाने छोड़ दे रहे हैं लम्बा टाइम तक खड़ा नहीं रहना इस तरह की पोस्चर्स वग़ैरह की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि आपको मेस्ट्रल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं या फर्टिलिटी इशू हो जाते हैं या अगर आप प्रेगनेंट हो जाए तो आपको मिसकैरिज हो जाता है तो कोशिश करें कि कमर को ज़्यादा बेंट ना करें और इस तरह की एग्जर्शन वाले काम ना करें फिर डू समथिंग क्रेजी ऐसी चीजें जैसे कि अगर आप झूले लेना पसंद करती हैं या कोई ऐसा काम पसंद करती हैं जो आप प्रेगनेंसी में नहीं कर सकती उसको आप आखिरी आखिरी दफ़ा कर लें क्योंकि फिर नौ महीने तक आपको ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी होती क्योंकि इससे कई दफ़ा ऐसा होता है कि झटका लगकर आपका प्लेसेंटा जुदा हो जाता है और बच्चे की डेथ हो सकती है इसलिए जो भी आपको एग्जर्शन वाले कामों के शौक़ हैं वो आप पहले कर लें ताकि आपको बाद में ना करने पड़ें फिर उसके अलावा आप अपना इंश्योरेंस का पैकेज चेक करें कि आपको कौन से डॉक्टर्स फिजिबल हैं किन के पास आप आसानी के साथ जा सकती हैं आपका बजट कौन से डॉक्टर के पास अलाउ करता है क्योंकि आपके विजिट्स तो ज़रूरी हैं डॉक्टर के पास इसलिए अगर आपने पहले देखा होगा कि आप किस चीज़ को अफोर्ड कर सकती हैं तो उस तरह के डॉक्टर के पास ही जाइए ताकि आपकी जो पूरा सफ़र है वह एहतियात के साथ गुजर जाए फिर यह है कि अपने हस्बैंड के साथ खुल के आपने बातचीत करनी है कि आपको क्या फीलिंग है क्या आपको परेशानी है या आपको क्या क्या फ्रस्ट्रेशन हैं इन चीजों को आप अपने हस्बैंड के साथ खुल के डिस्कस करें और उनको भी कहें कि वो करें इस तरह करने से आपका एक तो रिश्ता मजबूत होता है और दूसरा ये कि जो आपके दिल में डाउट्स वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं और आपका दिमाग भी पीसफुल हो जाता है और आपकी प्रेगनेंसी अच्छी गुजरती है बहुत सारी टिप्स होती हैं अगर आप इनको फॉलो कर लें तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी गुजरती है और इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जो मुस्तकबिल करीब में प्रेगनेंट होना चाहती हैं या जिनकी अभी शादी होने लगी है या हो रही है ताकि वो अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर लें और उनकी जो सफर है प्रेगनेंसी का वो अच्छे से गुजर सके नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए टेक केयर अल्लाह हाफिज